अस्सलाम वालेकुम, मैथ्स एंड एंटी हिस्ट्रिक्स में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हम दो पार्ट अपलोड कर चुके हैं। तो चलो, इस वीडियो में हम कोशिश करते हैं बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो सारे क्लियर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 67 से स्टार्ट लेते हैं। व्हेन डिड पाकिस्तान बिकम नंबर ऑफ द UNO? तो 67 में हमारे पास सितंबर 30 सितंबर 1947 सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ UN एजेंसी? UNOP, WHO, यूनेस्को और WTO। तो इसमें डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, आफ्टर द फेलियर ऑफ द वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857 द ब्रिटिश मेड द एस ऑफ द मेजरेबल। तो इसमें हमारे पास हिंदू, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियंस। तो ये बी ऑप्शन मुस्लिम हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ पर, विच ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म में कंसिस्ट ऑफ वन आर मोर सेल्स? तो इसमें हमारे पास जो मोनेरा है ये तो वन सेल पर होता है, फंजाई जो है वन आर टू है, और इस तरह प्रोटिस्टा भी वन आर मोर। तो इसमें ए और बी ऑप्शन, ए और बी, फंजाई और प्रोटिस्टा, यानी बोथ ए एंड बी, यानी ऑप्शन डी हमारे पास ये बिल्कुल करेक्ट है। क्लास फिफ्थ के जनरल साइंस में ये मौजूद भी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 71, आइडेंटिफाई द वर्ड विद डिप्थांग्स। दोस्तों, इंग्लिश में डिप्थांग्स जो है ये क्या है? टू वॉल साउंड्स होता है, जिस तरह आयल है। तो यहाँ पर आप देखेंगे टियर है, और इसमें बाकी जो प्लेयर और ये जितने भी हैं, तो इसमें हमारे पास टियर, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। वो इसम जो किसी जानदार की आवाज़ को ज़ाहिर करके कहलाता है। तो इसमें हमारे पास ज़र्फ़ मकान, ज़र्फ़ सोत और आला और मजदर। तो इसमें सोत, सोत आवाज़ को कहते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास द मीनिंग ऑफ ब्रेक आउट। ब्रेक आउट इसका मतलब है दोस्तों, आप जाकर डिक्शनरी में चेक भी कर सकते हैं, टू स्टार्ट आउट सडनली, ठीक है, यानी एकदम, यानी जेल से निकलना और इस तरह बाहर निकलना, भागना, टू स्टार्ट सडनली, सी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास शी सेड इट कोड, शी सेड इट वाज कोड, ऑप्शन बी हमारे पास जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है, द फॉर्म ऑफ द वर्ब्स यूज टू प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और आई एन जी फॉर्म और सेकेंड फॉर्म। तो दोस्तों, इसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, यानी आई एन जी फॉर्म, सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। 77 तो पढ़ने नहीं होता, लेकिन अगले क्वेश्चन की तरफ चलो चलते हैं। अगर आप पढ़ सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, और एक आध अगर एमसीक्यूज में गलती हो जाए तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। बाकी मेरिट लिस्ट वगैरह और अडा तक सारा प्रोसीजर, यूनियन काउंसिल सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट, इस सब पर हमारी वीडियोस मौजूद हैं, और मेरिट लिस्ट में अपने अकेडमी को आप कैसे ठीक करें, इस पर भी हमारी वीडियोस मौजूद हैं। चलो, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 85, चेंज द साइज ऑफ टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट्स एंटरिंग द आई। कंट्रोल बाय विच पार्ट्स ऑफ द ब्रेन? सेरेब्रम, बोन्स, मिड ब्रेन और हाइपोथैलेमस। तो इसमें हमारे पास 85 में जो करेक्ट आंसर हमारे पास बनता है 85 में, वो है सी, यानी मिड ब्रेन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। लेट यानी करंट इन वन डायरेक्शन हैज़ टू टर्मिनल कॉल्ड कैथोड्स एंड एनोड। करंट यानी फ्लोज विच पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाइड। तो इसमें हमारे पास दोस्तों ट्रांसिस्टर, कैपेसिटर, डायोड और रेजिस्टर। तो 86 में हमारे पास जो करेक्ट आंसर बनता है वो है सी, डायोड, सी हमारे पास करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ट्रीज यानी दैट इज ग्रोस इन कोस्टल एरियाज टू प्रोटेक्ट शोर लाइंस फ्रॉम बींग डैमेज एंड एक्ट एज। तो इसमें हमारे पास दोस्तों जो करेक्ट आंसर बनता है वो है मैंग्रोव, सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। ब्रिटिश रियलिस्ट आर द एम्पिरिसिस्ट लाइक परमास्ट। अच्छा, ये यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है, थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन चलो करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ 88 में। तो यानी मैन ऑल टू अनदर
आइडियाज़ कम, तो ये इसमें हमारे पास ये सारे जो है वो करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट, अजय बदर, मुसलमानों के पास सवारियां कम थी, एक वक्त डैश में डैश, तो इसमें हमारे पास एक दो तीन, तो ये बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, गज़वे हनन में काफरों का सरदार कौन था, ये मालिक बिन औफ गालिबन, सी ऑप्शन में ये मौजूद है और ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गज़वे तबूक और डैश था, तो सर्दी का काद का, तो ये बी ऑप्शन यानी काद का, तो ठीक है बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92 में हमारे पास, ही इज़ अ पर्सन आप वेरी कंसिडरेबल, तो इसमें हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज है और रिलेटिव क्लाज है, मेन क्लाज है और जेरंड है, तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन है 92 में करेक्ट ऑप्शन है ए। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 77 से कुछ एमसीक्यूज थोड़े से रह गए थे, तो चलो इसको भी कर लेते हैं, फिर 93 की तरफ चलते हैं। द कोर्स ऑफ टाइम ही मे फ्री हिज मिस्टेक्स, चूज़ द करेक्ट पोजीशन, तो इसमें दोस्तों आएगा यानी फॉर द कोर्स ऑफ टाइम या इन द कोर्स ऑफ टाइम, फॉर गलबन होना चाहिए, फॉर द कोर्स ऑफ टाइम या इन द कोर्स ऑफ टाइम, ये दोनों में थोड़ा सा है डाउट है, इसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेते हैं। तो आगे चलते हैं अगले एमसीक्यूज की तरफ। द नंबर ऑफ डिफरेंट स्मेल्स इन दैट अ ह्यूमन कैन डिफरेंशिएट इन इवन हैज नोज एजेट, तो ये हमारे पास दोस्तों इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है 4000 to 10000, डी हमारे पास करेक्ट है। अगला जो एमसीक्यूज है, ड्यूरिंग डाइजेस्टिव सेक्रेशंस आर ब्रेक डाउन द प्रोटीन, तो ये इसमें करेक्ट आंसर जो दोस्तों हैं वो है सेक्रेशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, ये सी ऑप्शन हमारे पास, पैंक्रिया सी हमारे पास करेक्ट है। अगले जो एमसीक्यूज है, स्किनर शोन अ सिस्टम ऑफ रिवार्ड्स, तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन हमारे पास एमसीक्यूज है, इसमें हमारे पास ऑप्शन बी अपरेंट कंडीशनिंग, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगला जो एमसीक्यूज है 81, द बिगनिंग टेंडर इवेल्यूशन स्टडी, तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर है दोस्तों उसमें है मल्टी ईयर, यानी 81 में हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है डी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, मूसा बिन नसीर ने तारिक बिन ज़ियाद को, तो किसका गवर्नर बनाया था, ये तंजा का, ऑप्शन बी हमारे पास इसमें करेक्ट है। अगला एमसीक्यूज, ज़कात एक अहम इबादत के साथ साथ एक डैश है, मुआशरती और इस्लाही अमल है, गालबन पढ़ने नहीं होता लेकिन गालबन ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 84, द मैग्नेट्स इन बेक बाय आयरन्स आर टेम्परेरी मैग्नेट वाइल द मैग्नेट मेड बाय डैश आर परमानेंट, बाय मेड ऑफ ये जो स्टील है वो परमानेंट मैग्नेट, डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये क्लास 5 से, ये क्लास 5 के जनरल साइंस से ये एमसीक्यूज यानी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से लिया गया है। अगला एमसीक्यूज है लास्ट 93, तो दोस्तों द वर्ड वैनिटी इज एंटोनिम टू डैश, तो वैनिटी अपनी आपकी यानी तारीफ, सेल्फ प्रेज अपने आप का तारीफ करना, मोडेस्टी और कंपेशन और यहाँ पर रेशन, तो इसमें ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है, मोडेस्टी। नेक्स्ट में, इट वाज डैश यानी व्हेन ही वांट्स एंड टू द रूम, चूज द करेक्ट, तो इसमें हमारे पास स्ट्रेंज क्वाइट यानी ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है। अगला एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 95, शी आस्क्ड माय एडवाइस, तो इसमें ऑन टू व्हाट यानी ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है। और नेक्स्ट हमारे पास 96 में डज, तो ये
डज माई मदर यानी मेक डिलिशियस कुकीज़, चूज़ द करेक्ट पंक्चुएशन। तो लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, बी ऑप्शन करेक्ट है। सवाल यह है 97 में एट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तुर्की, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया एंड हंगरी, ऑप्शन बी हमारे पास जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट 98 में हमारे पास OIC इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंट्रीज, तो ये 57 डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी दैट वाज यूनिफॉर्म्स इन दिस हिस्ट्री इन द इंडो पाक, तो ये हमारे पास दोस्तों हैं कांग्रेस। और नेक्स्ट हमारे पास वैक्यूम फ्लास्क इज अ टाइप ऑफ टू, अच्छा जी कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ऑल ऑफ द अबव, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव हमारे पास करेक्ट है। जो क्वेश्चंस थोड़े बहुत रह गए हैं जो अभी तक हमें मिले नहीं हैं बीच में, वो जैसे ही मिलेंगे इंशाल्लाह उसका सोल्यूशन भी करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक तो लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि यूट्यूब पर ऐसी वीडियोज़ का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन आए। वीडियो को एक बार ज़रूर लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।